यदि स्टूडेंट मैं आपके साथ फूड और न्यूट्रिशंस के इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो को वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एंड तक जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है आपका so, आता, आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेंट इज रिक्वायर्ड टू द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा फूड कॉम्पोनेंट ऐसा है जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है ह्यूमन बॉडी की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी प्रोटीन और विटामिन दोनों की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस करवाने के लिए कॉम्पोनेंट uh, ऐसा है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को तो करेक्ट आंसर विल बी डी कार्बोहाइड्रेट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड द डाइट्री फाइबर इनमें से कौन सी फूड आइटम है जो डाइट्री फाइबर प्रोवाइड करवाती है करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव पल्सेस वुलग्रेन फ्रूट और वेजिटेबल ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा नैटा विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन किस प्रोडक्ट से हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है बेस्ट सोर्स होता है वो मिल्क चीज और एग या फिर ऑल ऑफ द अबाव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शन बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ कौन सा मिनरल ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्स में हेल्प करता है और टीथ को स्ट्रोंग करने में हेल्प करता है तो करेक्ट आंसर विल बी बी कैल्शियम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एग जो है वो किसका रिच सोर्स है तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द बव एग से आपको प्रोटीन मिनरल और विटामिन तीनों मिलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट कौन सा फूड कॉम्पोनेंट ऐसा है जिससे कुछ भी न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिलता तो करेक्ट आंसर विल बी बी वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन प्लांट प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है तो प्लांट प्रोटीन आपको लिग्यूमि से मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द फूड कंपोनेंट इज रिच इन फैट फैट जो होता है वो किस में होता है तो फैट आपको पता है चिकनाई वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं फूड आइटम है उसमें होता है तो बटर चीज एंड ऑयल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हुआ फॉलोइंग फूड आइट स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द न्यूट्रिंट न्यूट्रिंट के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है तो मिल्क जो है उससे कैल्शियम भी मिलता है प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है लेकिन उससे विटामिन सी नहीं मिलता तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुआा लेमन ऑरेंज और टोमेटो जो होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है उसमें विटामिन सी होता है जो खट्टी चीज़ें होती है लेमन और उनमें विटामिन सी पाया जाता है पोटैटो सिल्स बीन्स पल्सेस और ओट्स जो होते हैं उसमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं इनमें से कॉम्पोनेंट क्या नहीं है फूड का फैट फाइबर वॉटर नन ऑफ द अबाउ तो करेक्ट आंसर विल बी डी नन ऑफ द अबाउ एंड मोस्ट सिग्निफिशेंट और असेंशियल मिनरल जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिसकी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन सोडियम एंड कैल्शियम ऑल ऑफ द अबाव नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है उसके बाद आता है वीक बोन्स जो हमारी वीक बोन्स हो जाती हैं और टूथ डे दाँत टूटने लगते हैं गिरने लगते हैं तो वो किसकी वजह से होता है तो वो विटा वो होता है आपका कैल्शियम की कमी की वजह से आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है इज़ यूज टू टेस्ट उसको किस चीज़ का टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो उसको किया जाता है स्टार्च विच विटामिन इज़ डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग हीटिंग अगर आप किसी भी चीज़ को हीट करोगे तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो विटामिन सी ट ऑफ़ फूड दैट हेज़ नो न्यूट्रीटिव वैल्यू कौन सा कॉम्पोनेंट ऐसा है जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है तो वो है आपका रफिज बटर घी आर द मेजर सोर्सेज बटर और घी किस चीज़ के मेजर सोर्सेज हैं तो आपको पता है वो फैट के मेजर सोर्सेज होते हैं प्रॉपर जो आप फूड अगर प्रॉपर खाओगे तो उससे क्या होता है आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट आता है इंग्रीडियंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंग्रीडियंट कंटेनिंग सम कॉम्पोनेंट दैट आर असेंशियल फॉर बॉडी कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं तो दैट इज़ अ न्यूट्रिएंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा मिनरल ऐसा है जो हमारी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरन आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो क्या है विटामिन और मिनरल हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फूड है वेरियस डैश डेट कीप हेल्थी फूड के अंदर अलग अलग क्या होते हैं जो हमारी हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं तो वो होते हैं न्यूट्रिएंट। बॉडी बिल्डिंग फूड को क्या कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड को कहा जाता है प्रोटीन और जो क्विक एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें कहते हैं हम बॉडी यूजेस डैश टू स्टोर एनर्जी बॉडी क्या यूज करती है एनर्जी को स्टोर करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन और मिनरल जो हमारी आर रिक्वायर इन वो कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नीड होती है वी शुड ड्रिंक हमें कितना ग्लास वाटर पीना चाहिए ना डे तो सिक्स टू एट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है उसके बाद है जंक फूड में क्या होता है जंक फूड में लॉट ऑफ सॉल्ट भी होता है फैट भी होता है और शुगर भी होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबॉफ कैनिंग डिहाइड्रेशन और पिकल्स आर मैथड ऑफ दैट फूड वो किस चीज़ के कैसे फूड के मैथड हैं वो है प्रीजर्विंग फूड कार्ड इडली ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से फ़ूड के एग्जाम्पल ये हैं आपके फर्मेंटेड फ़ूड स्प्राउटिंग जो होती है कंसिस्ट ऑफ जर्मिनेटिंग उसमें हम किसको जर्मिनेट करते हैं तो उसमें हम प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं नेक्स्ट आता है ओबिसिटी और डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर आर डैश डिसीज़ ये कैसे डिसी डिसीज़ हैं तो ये आपके लाइफ साइकिल डिसीज होते हैं नेक्स्ट आता है टायर्डनेस की फीलिंग वेट लॉस और एक्सेसिव टेस्ट और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो ये किस चीज़ के सिम्टम है ये है आपके मैरसमस के सिम्टम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑन कर ओबिसिटी एक्सेसिव सॉल्ट इन डाइट लैक ऑफ एक्सरसाइज अगर आपको ओबिसिटी हो रही है आप नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हो एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हो उससे क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है क्वारशरो जो होता है अकर्स वो होता है किस चीज़ की कमी की वजह से होता है तो वो होता है आपका प्रोटीन की कमी की वजह से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से अगर वो डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में उसकी वजह से कौन सा रोग या डिसीज़ हो सकता है मैरसमस रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो किस चीज़ का सब्सटेंस है तो वो आपकी हीमोग्लोबिन में हेल्प करते हैं कैरेट मिल्क टोमेटो ये गुड सोर्स हैं कौन से विटामिन के तो विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं बैरी बैरिक जो रोग है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है तो वो होता है विटामिन बी की कमी की वजह से ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है पेपर में विटामिन सी हमें किस चीज़ से बचाता है तो विटामिन सी स्कर्वी से बचाता है हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कैल्शियम की जरूरत होती है और विटामिन डी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयोडाइज सोल्ट किस चीज़ का गुड सोर्स है तो आयोडाइज सोल्ट जो होता है उसमें आयोडीन होता है मैक्सिमम वोटर टू मिल्क इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अगर हम मैक्सिमम पानी मिलाएंगे मिल्क में तो किस चीज़ की एग्जांपल है फूड एडल्ट्रेशन की हम मिलावट कर रहे हैं फूड में समोसा और पोटैटो चिप्स ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है ये आपके जंक फूड के एग्जाम्पल वो विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ अ टॉयलेट जो टॉयलेट के बैक में टैंक होता है पानी का उसको क्या कहते हैं उसे फ्लश टैंक कहा जाता है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का स्ट्रीम एनिमल इज़ अ इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी कौन सा एनिमल ऐसा है जो इंडिकेट करता है कि पानी की क्वालिटी बहुत बेकार है तो वो है ब्ला ब्लैक फ्लाई लार्वा आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी दूसरा पार्ट भी मैं आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दूँगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कॉमेंट में ज़रूर बताना थैंक यू सो मच ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है और पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप वो ज्वाइन कर लेना कीप शेयरिंग कीप वॉचिंग थैंक यू